हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल जोन में आपका स्वागत है। मैं विनोद जांगड़ा एक बार फिर ऑब्जेक्टिव टाइप नए क्वेश्चन के साथ। आज मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जिग से संबंधित है। जिग के जो क्वेश्चन है, निम्मी पैटर्न जो आपका पेपर एग्जाम होना है फोर्थ सेमेस्टर का, उसके अंदर जिग के 5 या 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जो पिक्चर जो रहेगी इसमें, जो डायग्राम जो रहेगा, वो आपको क्लियर अच्छी तरह आपको पहचान करनी है उसकी। तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। विच टाइप्स ऑफ जिग विल नॉट हैव बेस प्लेट। ऐसा कौन सा जिग है जिसके नीचे बेस प्लेट यानी आधार नहीं है, बिल्कुल खाली है नीचे से। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी, उसको बोलेंगे हम प्लेट जिग। देखो नाम से ये प्लेट नहीं है इसके नीचे, ठीक है। तो नॉट हैव, ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है नॉट हैव बेस प्लेट, तो प्लेट जिग होता है, उसके नीचे प्लेट नहीं होती। दो नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। जो डायग्राम दिखाया गया है, जो पिक्चर आपको दिखाई गई है, वो कौन सा जिग है, वो है आपका डी आंसर रहेगा इसका, एंगल प्लेट जिग है। कौन सी है ये, एंगल प्लेट जिग। आपको याद कैसे रखना है, ये एंगल की तरह, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये किसकी तरह है, एंगल की तरह है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी। तीन नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग, यह जिग कौन सा जिग है ये। तो ये जो आपका जो रहेगा ये आपका सी है, टर्न आवर जिग है। कौन सा, इसका आंसर रहेगा सी, टर्न आवर जिग। चार नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैंप, ये एक तरह का क्लैंप है, यानी ये एक चीज़ को फिक्स कर देता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर आपका रहेगा बी, कैम क्लैंप है ये। कौन सा है, कैम, ठीक है। एक होता है लंच क्लैंप होता है, स्क्रू क्लैंप होता है, इसी तरह ये कैम को टाइट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैंप यूज इन ए जिग, ऐसा इस जिग का नाम बता, इस क्लैंप का नाम बताना है, ये एक तरह का जिग है। तो ये कौन सा जिग है, कौन सा यूज जिग किया हुआ है, वो आंसर हमें इसका देखना है। तो राइट आंसर ये रहेगा इसका, टोंगल जिग। कौन सा, टोंगल क्लैंप, ठीक है, टोंगल क्लैंप। 11 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग, ये एग्जाम में कई बार आता है, पहले भी आया हुआ है, और आपको इसका डायग्राम जो दिया हुआ है, जो फिगर दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह देख लो। ये ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा जिग है आपका, बॉक्स जिग है। कौन सा है, बॉक्स जिग। इसके अंदर जॉब रख दी जाती है, ऊपर से इसको क्लैंप कर दिया जाता है, और ये ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग जिग है वो एक अलग तरह का होता है, लेकिन ये बॉक्स जिग है, क्योंकि ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना चारों तरफ, तो ऐसे आपको याद रखना है इसको। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लुब्रिकेंट, जो विधि दिखाई गई है वो कौन सी लुब्रिकेंट हो, यानी एक तरह ऑयल है, ये कौन सा है, ऑयल है, तो ये कौन सी विधि है। तो आप ये देखिए यहाँ पे ये फोर्स दे रहा है, क्या दे रहा है, फोर्स फीड दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 12 का आंसर क्या है, ए, यानी एक तरह ये देखिए फोर्थ दे रहा है, ये देखिए एक हैंडल है, इसको दबाएगा तो ये जो ऊपर जो दिखा रहा है यहाँ से क्या निकलेगा, लुब्रिकेंट, ठीक है। 13 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैंप, इस क्लैंप का नाम बताना है, ये कौन सा क्लैंप आपका रहेगा। तो ये क्लैंप है आपका स्क्रू क्लैंप। कौन सा, बी, स्क्रू, ये देखिए ऊपर स्क्रू लगा हुआ है, इसके ऊपर दोनों ये स्क्रू लगे हुए हैं, ऐसे आपको याद रखना है। अच्छी तरह डायग्राम को देखना है पहले, क्योंकि आपका जो समय रहेगा वो 2 घंटे का समय रहता है थ्योरी के पेपर में, पहले 3 घंटे का था, लेकिन अब 1 घंटा कम कर दिया, 2 घंटे दिए हैं 50 क्वेश्चन के लिए, लेकिन डायग्राम को अच्छी तरह से आपको समझना है, उसके बाद आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन हम ये वाला। अभी आपको पता है जिग और फिक्चर क्या चीज़ होता है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जिग किसको बोलते हैं, जो टूल को मजबूती से पकड़ता है और
टूल को गाइड करता है, जो जॉब को क्या करेगा, मजबूती से पकड़ेगा और गाइड करेगा। जैसे हमने जो जिग देखा था, कई जिग ऐसे होते हैं जैसे ड्रिल जिग है, वो क्या करता है, टूल को गाइड भी करता है और मजबूती से पकड़ता भी है। तो ये एक तरह का फिक्चर है। फिक्चर क्या करता है, टूल को गाइड नहीं करता है, ओनली किसी जॉब को क्लैंप करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्चर, ये किसी जॉब को क्लैंप किया हुआ है, तो ये आपको बताना है भी कौन सा है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी, मॉडिफाई एंगल प्लेट फिक्चर। ठीक है, मॉडिफाई, ये देखिए ये एक तरह की एंगल है, ये जो चीज़ दिखाई हुई है ये वाली, तो ऐसे आपको देखना है अभी एंगल बन रहा है, फिक्चर है या जिग है। जिग तो टूल को गाइड करेगा, तो ये जिग तो हो नहीं सकता, ये एक तरह का फिक्चर ही है। तो इस तरह आपको देखना है अभी एंगल इसके अंदर यूज है। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा। छः नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप्स ऑफ फिक्चर यूज फॉर मशीनिंग इवनली स्पेस्ड सरफेस, तो ये छः नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर राइट रहेगा आपका। देख लेते हैं छः नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है इसका, क्या है, सी इंडेक्सिंग फिक्चर है। कौन सा, ये इंडेक्सिंग फिक्चर आपका रहेगा, और इवनली मशीनिंग इवनली स्पेस्ड सरफेस के लिए हम प्रयोग करते हैं। आपको ये सरफेस नाम याद रखना है, इसके लिए कौन सा इंडेक्सिंग फिक्चर का हम प्रयोग करेंगे, ये है सेवन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग, ये देखिए ये जिग है, ये टूल को गाइड करता है। ये जो होल ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये जो हैं इनके अंदर क्या चलने वाला है, इसमें ड्रिल चलेगा, क्या चलेगा, ड्रिल चल सकता है, रिमर चल सकता है, टेप चल सकता है। ये जो होल से दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर ड्रिल बुश लगे हुए हैं, तो ये एक तरह का जिग है। इसके अंदर हम जॉब को फिट कर देंगे, ऐसे अंदर इसके लगा देंगे जॉब इस तरह की, और इसमें मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा, चैनल जिग। कौन सा, ये चैनल का मतलब क्या है, एक रो के अंदर ये मतलब क्या करता है, एक रो के अंदर ड्रिलिंग करता है या रिमिंग करता है, एक तरह की चैनल है ये। ठीक है ना, तो ये पेपर में कई बार आता है, तो इसका डायग्राम ध्यान से देख लेना, आपको इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप्स ऑफ जिग यूज, ये आ गया आपका, विच टाइप्स ऑफ यूज एक्वावर्डली स्पेस वर्क पीस टू ड्रिल डिफरेंट एंगल, विच टाइप्स ऑफ जिग यूज एक्वावर्डली स्पेस वर्क पीस ऑफ डिफरेंट एंगल, ऐसा कौन सा आपका जिग है जो सबसे डिफरेंट है, अलग तरह की जो शेप है, डिफरेंट एंगल रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी है। क्या है, डी आपका इसका रहेगा, टर्नल जिग है, टर्नल जिग बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो नाइन नंबर क्वेश्चन देख लें। विच डिवाइस होल्ड सपोर्ट्स लोकेट एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन, नाइन नंबर का जो आंसर जो रहेगा आपका ए है। कौन सा, ये जिग है, ये जो ये कह रहा है जब हम ऑपरेशन करते हैं, देखो ये लॉक करेगा, ठीक है, डिवाइस को होल करेगा, सपोर्ट्स करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, ये देखिए गाइड द कटिंग टूल फॉर द ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जिग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था वो सेम डेफिनेशन यहाँ पे शो कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जिग, ये कौन किस प्रकार का जिग है, ये इसका सी रहेगा, इंडेक्सिंग जिग है ये, डायग्राम देख लो अच्छी तरह इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्चर, ये फिक्चर दिखाए गए हैं अलग अलग तरह के, ठीक है, इनको आपको देखना है भी कौन सा ये फिक्चर है, तो डी है इंडेक्सिंग फिक्चर। कौन सा, ये इंडेक्सिंग फिक्चर है। तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइबर करना है, एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ इसको लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।